कहते हैं कि हसीन चेहरे के पीछे कभी न कभी अंधेरा छुपा होता है, और ये बात इन आइलैंड्स के बारे में बिल्कुल सही है। आप इमेजिन करो कि आप एक सुंदर समुद्र के तट पर चल रहे हो और सूरज ढल रहा है, पानी साफ है और हवा में एक हल्का सा झोंका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस खूबसूरत नजारे के पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छुपी है जो आपकी जान ले सकती है। आज हम दुनिया के 6 सबसे खतरनाक आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे आइलैंड जहाँ कदम रखते ही जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इन आइलैंड्स पर कभी भी ऐसे क्रिएचर्स मिल सकते हैं जो कि पल भर में आपकी जान ले सकते हैं। तो कहीं ऐसे राज छुपे हैं जो सुनने में ही रूह कांप जाती है। तो अगर आप भी इन खौफनाक सफर के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रहे, ये आइलैंड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के कोस्ट के पास एक छोटे से आइलैंड की, जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर है, जिसमें गोल्डन लंच हेड वाइपर सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो कुछ ही पलों में उसकी मौत हो सकती है। इस वजह से ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर पब्लिक की एंट्री को मना कर दिया है। स्नेक आइलैंड पर जाना सख्त मना है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। डेंस जंगल और पथरीला इलाका इसको और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं, क्योंकि सांप आपको दिखाई भी नहीं देंगे जब तक वो आपके बिल्कुल पास ना आ जाए। कुछ लोगों ने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम भी वापस लौटने की नौबत नहीं आई। तो अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे दोस्त, एक बार फिर से सोच लेना। यह आइलैंड आखिरी ठिकाना बन सकता है, इसलिए कभी भी यहाँ जाने की गलती मत करना। इसके बाद हम बात करते हैं इटली के कोस्ट के पास एक ऐसे आइलैंड की जो लिटरली आग उगलता है, स्टॉर्मली आइलैंड। ये आइलैंड इटली के आइलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है जो लगभग 2000 साल से लगातार इरप्ट हो रहा है। इस वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी कहा जाता है। स्ट्रॉमली आइलैंड पर कदम रखना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। यहाँ के हवा में ही सल्फर भरा होता है, जमीन पर हर पल कांप रही होती है, और ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी मेटल को पिघला सकती है। टॉक्सिक गैसेस तो इतनी ज्यादा निकलती हैं कि आप उनमें सांस ले लें तो कुछ ही पलों में आपकी मृत्यु हो सकती है। फिर भी कुछ डेयर डेविल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आइलैंड पे जाने का एडवेंचर करने की कोशिश की है, लेकिन उनका अंजाम भी अक्सर बुरा ही होता है। स्टॉर्मली आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां खौफ अपनी चरम सीमा पर है। अगर आप थ्रिल की तलाश में हैं तो ये आइलैंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड इंतजार करता है जो यहां पर मरने के लिए आए। इसके बाद हम बात करेंगे फेरालोन आइलैंड के बारे में। कैलिफोर्निया के कोस्ट से सिर्फ 28 माइल दूर फेरालोन आइलैंड, जो कि अपने खौफनाक और तीखी पहाड़ियों के लिए मशहूर हैं। इन पहाड़ों की शेप देखने में किसी दरिंदे के दांतों के जैसी लगती है, लेकिन इस आइलैंड के असल खौफनाकी इसके नीचे छुपी है। 20 सेंचुरी की शुरुआत में फेरालोन आइलैंड को रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप करने के लिए यूज किया गया था। 50,000 से भी ज्यादा ड्रम्स को न्यूक्लियर वेस्ट इस आइलैंड के आसपास पानियों में फेंका गया, जिससे ये पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इसके पास जाना भी खतरनाक है। ये आइलैंड खुद बिल्कुल बंजर है। यहाँ ना तो कोई पेड़ है, ना ही कोई पौधा, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। ऐसा लगता है कि जैसे ये जमीन का सबसे जहरीला हिस्सा है। और ये खत्म ही नहीं होता, इस आइलैंड के आसपास के पानियों में दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क्स भी रहती हैं। ये शार्क्स वहाँ के न्यूट्रिएंट रिच पानियों में मछलियों को शिकार करने के लिए आती हैं, लेकिन इंसान के लिए ये जगह एक मौत का पैगाम है। जो लोग इस आइलैंड पर गए, उन्होंने अजीबोगरीब बीमारियों और शार्क्स के साथ डरावने अनुभव को शेयर किया है। फेरालोन आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां खतरा हर कोने में छुपा बैठा है। ये आइलैंड एक एडवाइस देता है कि मुझसे दूर रहो, वरना आपका आखिरी ठिकाना मैं ही बनूंगा। अब हम पहुंचते हैं स्पिनालोगा आइलैंड पर, जो ग्रीस के कोस्ट के पास है। ये आइलैंड एक छोटे से जगह पर है, लेकिन इसका इतिहास काफी ज्यादा भयानक है। स्पिनालोगा एक टाइम पर लीपर कॉलोनी भी था, जहां पर लेप्रोसी से पीड़ित लोगों को रखा जाता था। इन लोगों की मौत के बाद उन्हें इसी आइलैंड पर दफना दिया जाता था। ये जगह धीरे धीरे एक हॉन्टेड जगह बन चुकी है। कहा जाता है कि ये आइलैंड श्रापित है, और जो लोग यहाँ आते हैं वो अक्सर किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। स्पिनालोगा का इतिहास इतना भयानक है
है कि ग्रीस में इसे आइलैंड ऑफ डेड भी कहा जाता है। ये आइलैंड सिर्फ उसी शख्स के लिए है जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन याद रखिए ये जगह आपके लिए जिंदगी भर का अनुभव छोड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये ट्रॉपिकल पैराडाइज की तरह लगता है, सफेद रेत, सफेद पानी, सब कुछ देखने में एक खूबसूरत सा सपना लगता है, लेकिन ये आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक ट्राइबल्स का घर है जो किसी भी आउटसाइडर्स को अपने आसपास भी आने नहीं देते। ये लोग पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं और अपनी दुनिया में खुश हैं। सेंटिनेल्स लोग अपने आइलैंड की इतनी प्रोटेक्शन करते हैं कि अगर कोई इनके पास भी आए तो ये उसको मार देते हैं। 2006 में दो मछुआरे गलती से इस आइलैंड के करीब चले गए और उनका वहाँ मर्डर कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने तब से इस आइलैंड के आसपास जाना मना कर दिया गया है। सेंटिनेल्स आइलैंड के बारे में जो चीज इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि इस ट्राइब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनका रहने का तरीका, इनकी जुबान, इनका रिवाज और सब कुछ अब तक एक राज बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं क्योंकि इनकी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इनका बाहर के लोगों से कांटेक्ट हो गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सेंटिनेल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर खतरा है और इसके राज शायद कभी सामने ना आए। ये आइलैंड सिर्फ एक दूर से देखने में ही ठीक लगता है, लेकिन अगर आप भी इस सेंटिनेल आइलैंड के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वो आइलैंड है जो कि बहुत अद्भुत है। इसके बाद आखिर में हम बात करते हैं रामरी आइलैंड के बारे में। म्यांमार के पास है ये रामरी आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ी क्रोकोडाइल अटैक के लिए मशहूर है, जिसमें 500 से भी ज्यादा जापानी सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये अटैक इतना खौफनाक था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट एनिमल अटैक करार दिया। सन 1945 में जब जापानी सोल्जर्स ने अपनी हार से बचने के लिए वापस जा रहे थे तो उन्होंने रामरी आइलैंड के रास्ते से अपने घर लौटने का सोचा, लेकिन ये उनकी मौत का पैगाम बन गया क्योंकि रास्ते में जो सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल्स थे वो भरे पड़े थे। ये क्रोकोडाइल्स इतने भयानक थे कि वहीं पर इंसानों को जिंदा खा जाते थे। जब सोल्जर्स ने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की तो क्रोकोडाइल्स ने रात को उन पर हमला कर दिया और सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स बच पाए थे। आज भी रामरी आइलैंड पर क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा हो चुकी है जो पहले थी, और ये स्वाम्प्स और भी ज्यादा खौफनाक हैं जितने के पहले थे। ये जगह इतनी ज्यादा जंगल्स और पानियों से घिरी हुई है कि अगर आप यहाँ जाने का प्लान भी कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि ये जगह एक बहुत बड़ा खतरा है। रामरी आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान और जानवर के बीच की लाइन खत्म हो जाती है और आप एक शिकार बन जाते हो। ये आइलैंड हमें याद दिलाता है कि नेचर कितनी खौफनाक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 6 सबसे खतरनाक आइलैंड जहां पर खूबसूरती के साथ साथ मौत छुपी है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि इन पर कदम रखना अपने आप में मौत को बुलाने के जैसा है। इन आइलैंड्स के खौफनाक कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि हर हसीन चेहरा अपने साथ कुछ ना कुछ खतरा लाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। खुद का ध्यान रखिए क्योंकि दुनिया छुपे खतरे की जगह है।